अस्सलाम वालेकुम टू एवरी वन हुज़ वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। दिस इज़ वकार फ्रॉम कैमरे इंटरनेशनल साइंस कॉलेज एट तलागा। वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट क्लासरूम ट्रेनिंग के वीडियो लेक्चर में। मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी लेक्चर मेरी तरफ से या सर समी साहब की तरफ से डिलीवर्ड किए गए वो आप तमाम के तमाम लेक्चर देख चुके हैं, उनको तैयार कर चुके हैं और उनकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। सो राइट नाउ इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि डियर स्टूडेंट आपको पता है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। यहाँ पे किसी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ स्पीच को मैंने यहाँ पे नहीं लिया, बल्कि वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस ऑल द पार्ट ऑफ स्पीच विच यू हैव ऑलरेडी कवर्ड। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पार्ट ऑफ स्पीच जो आप पहले क्या हैं पढ़ चुके हैं, उसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल की मदद से, क्योंकि इस तरह आपका जो पार्ट ऑफ स्पीच का जो टॉपिक है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। जब आप इस काबिल होंगे, व्हेन यू वुड बी एबल टू इंडिकेट दैट व्हाट टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच इज़ हेयर आर देयर, वहाँ पे कौन सा है या यहाँ पे कौन सा है, जब आप उसको इंडिकेट कर लोगे यानी पहचान कर लोगे तो देन देयर विल नॉट एनी इशू, देन देयर विल कोई यहाँ पे इशू, देयर विल नॉट बी एनी इशू, कोई इशू यहाँ पे नहीं होगा। सो राइट नाउ इन दिस एग्जाम्पल फर्स्ट वर्ड इज, ये क्या है, आई, जिसकी उर्दू है मैं। अब मुझे आप बता सकते हैं ये आई क्या है, ये किसकी जगह पे इस्तेमाल हुआ है, ये है कौन सा? तो डियर स्टूडेंट ये आपका प्रोनाउन है, क्योंकि ये नाउन की जगह पे इस्तेमाल हुआ है। और ये कौन सा प्रोनाउन है, ये डियर स्टूडेंट इट इज टेकन एज पर्सनल प्रोनाउन। और ये कौन सा प्रोनाउन है, आपका पर्सनल प्रोनाउन है जिसके अंदर आप बता रहे हैं। सो नेक्स्ट वन इज एम। अब एम क्या है, ये देखा जाए एक वर्ब है जो कि किसी स्टेट को बता रहा है, हूं। एम का तर्जमा क्या होगा, हूं। तो ये एज अ क्या लिया गया, यहां पे वर्ब लिया गया। अब ये वर्ब कौन सा है, मैंने आपको बताया था जब आप वर्ब का पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे कि देयर आर ओनली फाइव वर्ब विच आर नाउन एज हेल्पिंग वर्ब, जिनको हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, और उन्हीं को हम लिंग्विस्टिक में लिंकिंग वर्ब कहते हैं, या इसको आप यू कैन आल्सो राइट एज हेल्पिंग वर्ब। तो ये आपका जो एम है इट इज टेकन एज लिंकिंग वर्ब, यहाँ पे लिंक कर रहा है आपका डॉक्टर और आई के दरमियान। सो डॉक्टर एक क्या है, ये एक नाउन है, और कौन सा नाउन है, इट इज अ कॉमन नाउन, बिकॉज ये नाम सबको दिया जा सकता है, जो भी डॉक्टर हैं जितने भी डॉक्टर हैं आप सब डॉक्टर्स को डॉक्टर्स कह सकते हैं। ये एक एग्जांपल होगी, एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि चीजें आपको वन बाय वन क्लियर होती जाए। असलम कैन राइट अ लेटर। अब देखिए, असलम कैन राइट अ लेटर, असलम एक खत लिख सकता है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है इस्तेमाल हुआ है लफ्ज़ असलम, तो असलम क्या है, नाउन है। अब ये कौन सा नाउन है, हर बंदे को आप असलम नहीं कह सकते, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, ये आपका बन गया प्रॉपर नाउन। अब ये आपका आ गया कैन। अब कैन क्या है, एक मैंने आपको बताया था लिंकिंग वर्ब, और दूसरे ऑक्सिलरी वर्ब, यानी जिसके अंदर आप हेल्पिंग वर्ड्स को यूज करते हैं, कैन कुड माइट मे, तो ये आपका क्या हो गया ये ऑक्सिलरी वर्ब की टाइप है। अब ये है आपका फिर वर्ब। अब ये कौन सा वर्ब, ये वो वाला वर्ब है जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है,
इट इज डिपेंडिंग अपॉन ऑब्जेक्ट, और जब कोई वर्ब ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है तो वो क्या कहलाता है, इट इज टेकन एज आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर हो गया जी, प्रॉपर नाउन। और ये आपका क्या है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अभी तक आपने ये टॉपिक पढ़ा नहीं है लेकिन आपको पता है आर्टिकल है, ये क्या है आर्टिकल। सो दिस इज कॉमन नाउन, क्योंकि लेटर है, किसी भी लेटर को आप क्या कहोगे, आप लेटर ही कहोगे, तो ये कॉमन। अब यहाँ पे देखें, ये प्रॉपर नाउन। अब पूरे के पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, सारे पार्ट ऑफ स्पीच आपने क्या कर दिए, क्लियर कर दिए। I cut myself, I pronoun है, कौन सा personal pronoun है, cut मैंने काटा, तो ये कौन सा है transitive verb है, क्योंकि ये depend कर रहा है object के ऊपर, myself क्या है object, और ये कौन सा है, ये भी प्रोनाउन है, नाउन की जगह पे है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, ट्रांजिटिव वर्ब एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके स्क्रीनशॉट ले, जी डियर स्टूडेंट आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, उसकी फर्दर एग्जाम्पल्स लेते हैं, दो दो एग्जाम्पल करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम है और ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको ज़्यादा फायदा देगी। नेक्स्ट, आई वॉज राइटिंग। अब देखिए, आई पर्सनल प्रोनाउन, वाज ये लिंकिंग वर्ब है। अब राइटिंग, आगे ऑब्जेक्ट नहीं आया, अगर ऑब्जेक्ट आया होता तो वो कुछ और होता, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आया तो इस जुमले में ये क्या हो गया, इंट्रोजिटिव वर्ब। अब यहाँ पे देखें, ये सारे हो गए, She called police. She called police. She क्या हो गया, personal pronoun. Called ये कौन सा verb है, ed वाले, जिसके एंड पे डी या ईडी आता है वो रेगुलर वर्ब होता है। पुलिस कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉन्स्टेबल्स इसके अंदर क्या है, शामिल है। तो ये दोनों क्या बन गए आपके, ये दोनों आपने यहां पे वाज़ह कर दी। नेक्स्ट, अहमद किक्ड, अहमद किक्ड हिमसेल्फ। अहमद क्या है, हर एक को आप अहमद नहीं कह सकते, तो ये क्या बन गया, प्रॉपर नाउन किक्ड, ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ये मोहताज है ऑब्जेक्ट का, और ये आपका क्या बन गया, रिफ्लेक्सिव।
Next. They fought each other. वो एक दूसरे से लड़े. दे फिर क्या आ गया? फिर पर्सनल प्रोनाउन है. ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट आया. और ये कौन सा है? रेसिप्रोकल. क्योंकि देयर आर ओनली टू रेसिप्रोकल प्रोनाउन इन इंग्लिश लैंग्वेज, वन अनदर एंड ईच अदर. ये दोनों क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन है. इसका स्क्रीनशॉट लें. मैं एक और एग्जांपल दो लेता हूँ ताकि आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाए. और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर के अंदर मज़ीद इसकी प्रैक्टिस करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच की, ताकि मज़ीद आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएं. मिल्क इज़ अ परफेक्ट डाइट. लेकिन मिल्क मटीरियल नाउन इज लिंकिंग वर्ब. आ क्या है आपका? इट इज टेकन एज आर्टिकल. परफेक्ट ये डाइट के मीनिंग में इजाफा कर रहा है. जरा गौर करें, डाइट की मीनिंग में इजाफा कर रहा है. तो ये क्या बन गया? एडजेक्टिव. और डाइट क्या बन गया आपका? कॉमन नाउन. ठीक हो गया जी. अब यहां पे देखिए, दिस इज अ कार. दिस इज अ कार. ये दिस इज, ये एज अ नाउन आया है यहां पे, प्रोनाउन आया है. तो कौन सा है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. अभी अभी आपने पढ़ा है प्रोनाउन का जो टॉपिक है. इज क्या है? इज फिर वही लिंकिंग वर्ब है. ए क्या है? आर्टिकल है. और कार क्या है? कॉमन नाउन. तो देख सकते हैं, इसका भी एक स्क्रीनशॉट आप ले लें. सो डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर आपने एक बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज रिगार्डिंग पार्ट ऑफ स्पीच, उसको बनाने की, सीखने की कोशिश की है. मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को स्किप नहीं किया, टिल एंड तक आपने वॉच किया है. और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ आप इसको अपने नोटबुक्स के ऊपर ज़रूर दर्ज करेंगे. स्टे विद मी इन अपकमिंग डेज एंड अपकमिंग लेक्चर्स. जब तक आपका स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह नहीं खुलते, तब तक आप इनको फॉलो करें. इंशाल्लाह फिर बाद में देखा जाएगा. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. बाय. अल्लाह हाफिज़.